अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो, एक और नया वीलॉग लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर से मैं हाजिर हो चुकी हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वक्त जहाँ कहीं पर भी मौजूद होंगे, अपनों के संग संग, अपनों के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को आप बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ गुजार रहे होंगे। और करते हैं आज का वीडियो शुरू जी। आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और मैं काफ़ी अरसे के बाद जो है मैं अपनी अम्मी के साथ जो है वो शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो बिल्कुल जी, बाज़ार में हम पहुँच चुके हैं और आपको साथ साथ दिखाते हैं कि शॉपिंग हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या हमने शॉपिंग किया, ठीक है। और इस्लामगढ़ मेन बाज़ार में हम शॉपिंग के लिए जो है इस वक्त जा रहे हैं। एक शॉर्टकट वे है तो हमने इसको चूज़ किया और यहाँ पर भी काफ़ी शॉप्स हैं, ठीक है। बर्तनों की आपने ये शॉप देखी, काफ़ी बड़ी शॉप और काफ़ी अच्छे बर्तन आपको यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है। जो लेटेस्ट डिज़ाइन होते हैं ना बर्तनों के, तो वो आपको बासानी इस शॉप से भी मिल जाते हैं। यहाँ पे बेचारे किसी की साइकिल किसी ने गिरा दिया, तो अब अल्लाह जाने ये साइकिल किसकी है। खैर, ध्यान रखना चाहिए जी, साइड पे मोटरसाइकिल खड़े हों या साइकिल खड़ी हो तो उसका ध्यान रखना चाहिए। ये जी इस्लामगढ़ मेन बाज़ार की सबसे मशहूर फेमस, ठीक है, ढल्ला रोड इसको कहा जाता है। और यहाँ पे पकौड़ों की एक शॉप है यहाँ साथ ही आगे और वो बहुत फेमस है। अभी हम इस शॉप पे जा रहे हैं, यहाँ से हमने कुछ चीज़ें लेनी है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, हमारे मतलब की जो चीज़ें जो हमें चाहिए वो इनके पास हैं या नहीं है। तो वो हमें दो तीन चीज़ें मिल गई, हमने ले ली। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं और ये भी आपको हम दिखा रहे हैं साथ साथ जी। और ये रख्याल मार्केट है इस्लामगढ़ मेन बाज़ार में, रख्याल मार्केट। यहाँ पर बहुत से लोग जो है वो ईद पर और शादियों के सीज़न में भी और सबसे ज़्यादा ईद, जब भी ईद होती है तो ये वो वाहिद जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। मेन बाज़ार में ही बल्कि बहुत रश होता है, लेकिन इस साइड पे खवातीन जो हैं वो ज़्यादा रुख करती हैं, जूतों के लिए, ज्वेलरी के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, चूड़ियों के लिए, मेहंदी के लिए और कपड़ों के लिए और बहुत कुछ जो उनको चाहिए, स्टॉलर्स वगैरह जो भी चाहिए, तो उनके लिए वो इस तरह का रुख करती हैं। अभी हम एक साइड से जा के दूसरे साइड से निकल आए, मेन रोड पर आ गए हैं और यहाँ सामने पाकिज़ा शॉप है जी, और वहाँ के चिकन समोसे जो हैं बड़े मज़े के होते हैं। रोड हमने वहाँ से क्रॉस कर ली, अब हम पहुँचे गोल चौक के पास और सामने एक कराची बिरयानी की शॉप है, वहाँ से हमने लेनी है चिकन बिरयानी। फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ कि इनकी चिकन बिरयानी होती कैसी है। नई नई शॉप जो है ये ओपन हुई है और ये सामने जी सैलाब ज़दगान के लिए, जो सैलाब से मुतासरीन लोग हैं, मुतासर जो हुए हैं, तो उनके लिए यहाँ पे चंदा अभी भी इकट्ठा किया जा रहा है। तो हमने थोड़ा सा अपना हिस्सा इसमें डाल लिया और अपना थोड़ा सा हिस्सा इसमें डालने के बाद हम आगे जा रहे हैं और लेंगे आगे से बिरयानी, तो टेस्ट करेंगे घर जाके कि कैसा इनका टेस्ट है। ये है जी शॉप चिकन बिरयानी की, कराची चिकन बिरयानी, और रिसेंटली ओपन हुई है। रेट लिस्ट इनकी आप देख सकते हैं और काफ़ी चेंज हो चुके हैं रेट वैसे बाय द वे। अब हमने बिरयानी भी ले ली और अब हम आगे जा रहे हैं। आगे हमने देख लिया कि फ्रूट शॉप है, हमने वहाँ से लिया फ्रूट। शॉप क्या है, ये गाड़ी है जी, सुजुकी इसको कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में, वही है वैसे बाय द वे। लेकिन ये है कि यहाँ पे फ्रूट जो है वो काफ़ी सेल करते हैं, थोड़ा सा बाज़ार की जो दुकानें हैं उनकी नस्बत थोड़ा सा, थोड़ा मामूली सा जो है वो इनमें फ़र्क होता है। तो यहाँ से हम फ्रूट देख रहे हैं और यहाँ से कुछ फ्रूट हम लेंगे, कुछ फल लेते हैं। फल लेने के बाद
अगला हमारा मिशन है जी यहाँ पे आने के लिए बड़ी जो परचून की दुकान है, यहाँ से हमने एक दो चीज़ें लेनी है और उसके बाद फाइनली हम जाएंगे घर की तरफ। तो ये दुकान भी हम आपको दिखाते हैं, काफ़ी बड़ी दुकान है इनकी और काफ़ी सारे लोग यहाँ से काफ़ी सारा जो ग्रॉसरी है काफ़ी सौदा सरफ लेकर जो है वो जाते हैं। घर के करीब पहुँचने वाले हैं, ये शॉपिंग जो हमने कर ली और कुछ अम्मी जी के हाथ में, और अब बिरयानी टेस्ट करते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका और एंजॉय करते हैं। होप सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।